हॉस्पिटल है, तो मैंने सब डिटेल्स यहाँ पे डाउनलोड लिया और जितना भी मेजर इन्फॉर्मेशन था वो मैंने सुना सबके साथ। अभी भी आप लोग देख रहे हैं, सब यहाँ जो कमेटी के सब लोग हैं, कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके साथ बात करके उन लोग के साथ सही मशवरा लेके अब मैं यहाँ से इंशाल्लाह ताला जो हमारे हायर कमांड है उन लोग के पास जाऊँगा। और जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक ज़रिया हूँ, इंशाल्लाह ताला जो करते हैं ऊपर वाला अल्लाह पाक करते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हम। अयूब साहब हमारे जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको भी मैंने हौसला अफजाया कि मैं इंशाल्लाह पूरा कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये मसला जो 10 सालों से ये चल रहा है, इसके आगे भी एक कॉलेज था उसका भी मसला 10 साल से चल रहा था, मगर जो इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो मैं भी यूनानी कॉलेज का जो मसला है बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो। और ये जो कॉलेज इतना इसमें फैसिलिटीज़ है, मैंने अभी सुना, मैं बात भी कर रहा था सबसे यहाँ पे, यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जितना भी जो काम हॉस्पिटल में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी यहाँ पे है, प्लस हॉस्पिटल बेड्स है यहाँ पे, जो पेशेंट्स लोग के जो गरीब गरीब पेशेंट्स है उनको एक मिनिमम एक वेरी नॉमिनल एक फी लेके उन लोगों का 7 दिन यहाँ पे आपका लोग का यहाँ पूरा चिकित्सा होता है, इन लोग को यहाँ देखभाल करते हैं, तो बहुत ही उम्दा है इन लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और बेशक ये इतना शेक सोशल काम जो है ये सबसे आगे मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं कोई एक पॉलिटिकल फील्ड से हूँ या मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो मैं हमेशा सेकेंडरी देखता हूँ, आगे इंसान का काम इंसानी करता है, इंसानियत ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, तो मैं ये हमेशा ये मानता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में काम जितना जल्द से जल्द होगा, कल परसों छुट्टी है, 10 साल से ये जो मसला चल रहा था मुझे तो ये 10 दिन या एक महीना भर आगे पता चला, तो और भी देखिए कि ये 10 साल से जो ये मामला चल रहा है, जब ये फाइल दिया गया था तो ये CPM का गवर्नमेंट था, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुआ है, उसके बाद हमारा हम लोग के गवर्नमेंट का भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ने काम नहीं किया है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, डेवलपमेंट बोलिए, आपका जितना भी सोशल प्रोग्राम्स बोलिए या बाहर में जितना भी हम लोग गांव, हम तो डिस्ट्रिक्ट में हमेशा जाते रहते हैं, रास्ता से लेके लाइट से लेके, हमारी CM मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा उन्होंने बहुत ही काम किया है, और इंशाल्लाह ताला मैं ये लेके उनके पास जाऊंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो जल्द से जल्द कुछ मसला निकाले और ये जल्द से जल्द ये यासिर अगर यहाँ जो आए हुए एज ए एक्टिविस्ट या फिर एज ए TMC लीडर? नहीं नहीं, यहाँ पे हम आए हैं एक एक्टिविस्ट भी नहीं, एक नॉर्मल इंसान की तरह है, हम जहाँ भी जाते हैं एक नॉर्मल इंसान के तरह जाते हैं, और जितना हमसे बन सकता है, जितना हमसे हो सकता है, ऊपर वाला अल्लाह ताला वो रास्ता दिखा देते हैं। अगर मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप अच्छे नियत से करें और सच्चाई से आप कुछ भी काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो जगह दिखा देते हैं। क्या यहाँ जो मसला है यहाँ अपने पार्टी के हायर अथॉरिटी तक आप उसको लेके जाएंगे, कुछ पहुँचाएंगे? बेशक, तो मैं देखिए सब चीज़ का एक लिमिट होता है, यासिर हैदर का भी एक लिमिट होता है, तो उसके ऊपर भी हायर अथॉरिटीज़ है, तो मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि ये मसला को उन लोग टेकअप करें। और बहुत दिन से ये कॉलेज का ये मसला चल रहा है, 10 years इज़ नॉट अ शॉर्ट टाइम, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो जल्द से जल्द ये 10 साल का ये, अब मैं चाहता हूँ कि 10 महीना भी नहीं, 10 दिन के अंदर ये जैसा ठीक हो। हमारे अब जिनके भी नाम बोले वो हमारे सीनियर लीडर्स है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन लोग का भी ये हम लोग एक टीम है, जिन जो टीम की लीडर है ममता बनर्जी, तो बेसिकली डेफिनेटली ये जो उन्होंने जो लेटर दिया है CMO ऑफिस में, ये मैं फिर से एक बार वहाँ जाके पर्सनली गुजारिश करूँगा CMO ऑफिस में कि ये लेटर वो निकाले, और अभी बात करने से अच्छा या ये काम करना तो ये होता है, तो अभी काम करूँगा, काम करने का वक्त है डेफिनेटली इंशाल्लाह। वही मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश बहुत बड़ी चीज़ होती है, बस इसमें कामयाबी, अगर आप वही मैं फिर से बोलूँ, अगर आप अच्छे दिल से सच्चाई से करें तो अल्लाह ताला वो जगह दिखाई देते हैं आपको, अल्लाह उनके साथ, बस आप लोग का प्यार है, आप लोग का दुआ है, अल्लाह पाक का दुआ है, हम मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, जो करते हैं अल्लाह ताला करते हैं, बस हम कोशिश कर रहे हैं, हम वही बोलते हैं, हम हाँ भी नहीं बोलते ना भी बोलते, बस कोशिश करते हैं, बिकॉज एक बोलते हैं इंग्लिश में कि व्हेन यू ट्राई एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट गॉड नेवर मेक्स यू फेल, सो ये हमेशा हम ट्राई कर रहे हैं और
हमेशा करते आएंगे और देखिए इंशाल्लाह ताला हमें तो लगता है कि इंशाल्लाह अब काम हो ही जाएगा। और अगर काम नहीं होना होता तो शायद यासिर भाई आते भी नहीं, और इससे पहले भी कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ और इनको मालूम भी नहीं था, लेकिन जब से इनको मालूम हुआ है तब दो तीन मरतबा हम बात हो चुकी है और हमें लगता है कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। और धरना इस तरह जारी रहेगा अभी जो आप लोग जो धरना चला रहे 10 दिन से, ये कंटिन्यू रहेगा या इसके लिए क्या प्लान है? तो अभी जारी है, तो जब तक मांगे पूरी नहीं होती आप पीछे नहीं हैं, इसलिए कि हमारा तनहा का ये वो फैसला नहीं है, बल्कि सारे स्टाफ और टीचिंग नॉन टीचिंग और स्टूडेंट सब का मिलकर के है। तो हम जो फैसला हुआ है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ही चलता रहेगा। थैंक यू।